हेलो दोस्तों, बात करते हैं यूपी प्रेस की आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। इसमें ऑफिशियली आपको बताने वाला हूँ सहायक अध्यापक प्राइमरी लेवल का और सहायक अध्यापक एलटी लेवल में दो अलग अलग भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। कुल पदों की संख्या, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इन पदों के रिगार्डिंग। तो मैं आपको उत्तराखंड की नई भर्तियाँ बताने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पर आपकी सहायक अध्यापक पद पर एक तो एलटी के पद है, दूसरे आपके यहाँ प्राइमरी लेवल के पद है। पहला आप देखिए, यहाँ पर अन्य पद भी रखे गए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ शिक्षकों की भर्ती बता रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें जो है आरटीए के द्वारा ऑफिशियल अपडेट है, जिसमें अभी कुछ दिन के बाद आपकी भर्ती निकलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे पद है जिसमें आपके यहाँ पर 2000 पुलिस कांस्टेबल के हैं, क्लर्क और व्यक्ति सहायक के मिलाकर 400 पद रखे गए हैं। 600 करीबन आपके यहाँ पर स्केलर सॉरी उसके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है। ऐसी 1200 करीबन आपके यहाँ पर वाले भर्तियां हैं वन विभाग में, ठीक है सॉरी वो कृषि विभाग के अंतर्गत, जो आपके उसमें शिष्यपाल की पद भी रखे गए हैं। तो आज हम शिक्षक के पद बताएंगे। इसमें आप देख सकते हो ऑफिशियल आरटीआई है, जिसमें यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी के जो है कंप्यूटर साइंस के 12 पद निकाले जा रहे हैं, जिसमें बीसीए यानी कि बैचलर कंप्यूटर साइंस में आपके पास होना चाहिए और साथ में बीएड होना कंपलसरी है, या आपके पास बीटेक होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जनजाति जो स्कूल से है, ठीक है, वहां पर 12 पद निकाले जा रहे हैं एलटी के कंप्यूटर साइंस के। दूसरी भर्ती आपके मैं बताऊं कि प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती है, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आपके जो स्कूल से है उसमें सहायक अध्यापक प्राइमरी के 4 पद रखे गए हैं, और वहीं यहाँ पर जनजाति कल्याण के अंदर प्राइमरी यहाँ पर जो है 9 पद टोटल मिलाकर जो है यहाँ पर रखे जा रहे हैं, यहाँ पर 13 पद, तो 12 प्लस 13 टोटल मिलाकर 25 पद यहाँ पर आ रहे हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। और ये आज मैंने आपको ऑफिशियली बता ही दिया है, आप देखते हैं। क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूँ इन पदों के लिए, तो आपके पास यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बी इसमें बीएड वाले नहीं भर पाएंगे, और जो एलटी वाला है उसमें बीएड वाले भर पाएंगे, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री में आपके पास बीसीए होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं एलटी में। और ये प्राइमरी वाले में बीएड वाले तो भरेंगे नहीं प्राइमरी के, ओनली डीएलएड वाले भरेंगे। तो ये दो तरह की पोस्ट है जो आपके सहायक अध्यापक पद पर जो है अभी कुछ टाइम के बाद आयोग निकालेगा, और ये पद जो है अध्याचीन आ चुके हैं आयोग के पास, इसके लिए जो प्रस्ताव हो चुके हैं, ठीक है। पिछली बार एलटी के पद और अन्य सब्जेक्ट में भी आए थे, जिसमें हिंदी अंग्रेजी इस तरह आए थे, तो इस बार उतने पद नहीं है इसमें, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी आ जाए, वो अलग बात है, जैसी आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत है इसमें भी एलटी के पद निकाले जाते हैं। पिछली बार 2018 में भी ये पद निकाले गए थे, तो बहुत लंबे समय के बाद ये पद खाली हो रखे हैं, तो अभी क्या पता वो कुछ टाइम के बाद निकल भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल जो है आपके एलटी बीसीए के हैं और सहायक अध्यापक प्राइमरी के इसमें 12-13 पद हैं, तो इसके लिए जो है आप देखते हैं, बाकी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।